तख फिर बिजली पानी यखलम पूजा गोंदा तख कुकर बिराला यख गोड़ी बैसियों पिजों। क्या दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फुटबॉल एमटी ब्लॉग में। उमर मिछो महेंद्र पटवाल मेयर गांव से डांग पट्टी पटोल सिंह पोस्ट ऑफिस कलजी खाल जिला पौड़ीगढ़ वालों को और हमर कलजी खाल विकास खंड में कलजी खाल में बहुत ही सुंदर कॉलेज बनू छो जै एक बार हम आपते दिखाणु छो मैं इतर ब्लॉग में तो बड़े आराम इधर ब्लॉग में। और यह बहुत ही खुशी की बात है, हमारे पट्टी पटोल छूँ पट्टी असूल छूँ और पट्टी मनियार छूँ गुणी बहुत ही अच्छू तोहफा मिली छो ताकि हमारी दीदी बुली जो भी छन बुली वगैरह बेटी सब यख पढ़ली जो कि पौड़ी जाना चाहिए कॉलेज कनू खुण या सतपुली जाना चाहिए अब उतर मुख समय कॉलेज मिल जालो तो बढ़िया रहा ब्लॉग हमारे ब्लॉग होना तो बहुत ही खास। अगर आप लोग चैनल में अच्छा हो तो प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्यारा प्यारा कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर तो दबे की करें। और कलजी खाल बड़े कुछ ही दूरी पर है बनू चेक महाविश्वविद्यालय यानी कि डिग्री कॉलेज और बहुत ही शानदार कॉलेज बनू चु। और यह जगह हमारे टीवी टावर का जस्ट तालुम यह जगह दिवे गाँव की दिवे गाँव को लोन पर जमीन को मंजूरी दिया कॉलेज बनाने को तो कलजी खाल तो कुछ ही दूरी च मुश्किल से 10 मिनट और रस्ते और बहुत ही शानदार कॉलेज बनू च। और देख सकता सौ जोरों शोरों से काम चलू कॉलेज को और काफ़ी टाइम बटे काम चलू चु 2-4 महीने बटे और अब थोड़ा बहुत बिल्डिंग को ढांचा तैयार भी गया और चल रहा छूँ बिल्डिंग तिरप दिखा दो छूँ आपते अरे सब लेबर पार्टी काम करनी चाहिए का। और ये कॉलेज और सुंदर निर्माण हूँ और यह सौगात मिली हमारे विकासखंड कलजी खाल थे कलजी खाल बाजार थे और यह सौगात हमारे क्षेत्र होने कि बहुत ही शानदार कॉलेज बनू ग्राउंड फ्लोर देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर तैयार भी किया बहुत ही कमरा चलवाना और एक ऐंच बिल्डिंग जो बनी रहो काम पे। और ये सौगात मिल गया हमारे क्षेत्रवासियों तई कि अब कॉलेज ज़्यादा दूर जाने पड़ा पहले पौड़ी जाना चाहिए कुछ बहर चल जाता चाहे कॉलेज अगवाना और अब चलता छुआ ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर अपने तो फर्स्ट फ्लोर में के काम चलो जो दिखता छुआ अरे शानदार सीढ़ी छिनी ना लगी मशीन छिन लगी काम करूँ होना ट्रॉली वगैरह। तो ये नेपाली भाई साहब हैं हमारे, कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते करते? 4-5 महीना हो गया। चलो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है काम पे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ क्या बन रहा है? अच्छा कॉलेज बन रहा है, ये डिग्री कॉलेज। तो चलो फिर देखते हैं सेकंड फ्लोर में और शानदार काम हो रहा है। और ये ढांचा भी तैयार हो गया है फर्स्ट फ्लोर को और काम चलो जो बहुत ही जोरों शोरों से। और ये सुंदर सा नज़ारा ये रोड से कलजी खाल बाजार उठे कर ये जानी जो बहुत साल बेटी हूँ तो सतपुली गुण और एक सामने व्यू पॉइंट बनी जो बहुत ही शानदार जगह में देख सकते हो और ये शानदार काम चलो चु डिग्री कॉलेज को बिल्डिंग और निर्माण होने चु। तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे क्षेत्रवासियों को नहीं हमारे पटोल सिंह को नहीं हमारे असोल सिंह को नहीं और हमारे मनियार सिंह पट्टी को नहीं जो कि पौड़ी जाना चाहे कॉलेज का नुकुण और अब कुछ टाइम बाद कॉलेज का नुकुण कलजी खाल में मिल जालू। और बहुत बहुत धन्यवाद दिन जानू छो हमें सरकार थे भी जो के द्वारा एक हम कॉलेज बनू और बहुत ही खुशी की बात है हम लोगों को कि कॉलेज ज़्यादा दूर जाने पड़ लू हम मुख है तेरी कॉलेज और समणी गाँव चमरू और ये गाँव चमर डांग समणी में गिदरासू थापली कुटकंडाई टंगरोली और वे का पैथर चन नलाई पटोल सिंह का युपारा गाँव छा कुछ गाँव ही नाचन कुट गुठिन जना डुंगरा और इन हासोल सिंह पट्टी गुणा भी समणी छो मुंडेश्वर जनाथ जत का भी गाँव छन तो वो भी सब खबर हुई जाला और इन मनियार सिंह पट्टी जना भी
खास कर घंटे जो एरिया है वो सब कवर हो जाए सब गुणा समझ पड़ा लू कॉलेज ना छो लेबर लुकू गुणा नेपाली लुकू गुणा कमरा बड़े हाँ जो कि रात में क्या रहना ना हर काम चलो जोरों शोरों से देख सकते छो रेत पलटाना छा मथे गुणा और ना ही गिट्टियों से पुड़ चुँ बाकी सेटिंग वगैरह रखना छा तो यहाँ छन बना यहाँ बना छन दुई फ्लोर एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर और काफ़ी कमरा बना छन रोल से कवर हो बटे थोड़ा बहुत कपोल से पट्टी दिखेण जो कड़े काल वगैरह और ये देख सकते छो सब आना छन इतने भाई कॉलेज दिखणु खुण और कॉलेज का काम चलो चार महीने बटे और अब थोड़ा सा ढांचा तैयार हो गया तो मेरे वाला आज वीडियो बनाऊंगा चलता तब काफ़ी शानदार लगू मुझे तो चलो फिर ऐतर बटे दिखाऊँ वीडियो इन साइड बटे चरस्ता मत आणु खुण और इन आवड़े ताल जाणु खुण शानदार अब पहुंच गए मैं ग्राउंड फ्लोर में और मिल गई नेक ममता महेश भाई हमारा तो कन कन लगन चाप लुखू थे कि हमारे क्षेत्र में कॉलेज बनो छो हमारे पटोल से ही असोल से ही मनियार से बड़ी बड़ी बहुत बड़ी सौगात मिली छो दिल गद गद हो गया वही फीलिंग में मैं थे भी आनी छो कभी सबोदी जा कभी पौड़ी जा कपड़े जा सही बात छो किराया 100 रुपया टैक्सियों किराया 150 रुपया बहुत अच्छी बात सही बात अब ये सौगात मिली हम लुखू थे हमारा बच्चा एक पढ़ा ला बह बहना पढ़ा ला हम तभी खुशी वाली डिग्री अतमाल सभी की गंगू भाई जो कि PWD में कार्यरत छे ना तो भेजी कन खुशी मिली छे कॉलेज बनू चेक हम दना दन लौड़ा पाला पढ़ा ला नाती नतना पढ़ा ला है लोग सारे छत्तीसगढ़ से आए हो इतनी दूर पैसा कमाने के लिए कैसा लग रहा है गढ़वाल हमारा अच्छा है गढ़वाल या आपका छत्तीसगढ़ ठीक है तो पहाड़ी में मजा आ रहा है प्लेन में ज्यादा मजा है अच्छा सही बात है जिसकी जन्मभूमि जहाँ होगी वहीं उसे अच्छा लगेगा मगर थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्री की हवा मिल रही है फ्री का पानी मिल रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है आपके यहाँ पे तो गर्मी काफ़ी पड़ती है प्लेन से तो गर्मी काफ़ी होती है कूलर पंखे चलते होंगे यहाँ पे एहसास हो रहा है कूलर पंखों का यहाँ पे तो अभी भी रजाई ओढ़ के सो रहे हो ना फ्री का AC मिल रहा है ना अच्छा लग रहा है मतलब ठीक है रोजगार करने के लिए आए हो बढ़िया है हाँ बताया उन्होंने मिला मैं ऊपर ठीक है छत्तीसगढ़ से आए हैं सही है छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह पड़ती है अच्छा चलो अच्छा लग रहा है ना बढ़िया है तो कभी ये TV टावर है कितना वैल्यू छाई जबर तक डिश TV DTH नहीं है छाई तो एंटीना लगे घूमे परेशान हो जाता शाम टावर जना तब जाके दूरदर्शन में कुछ दिखे शाम तई और आज यहीं जगह से बहुत ही शानदार कॉलेज बनो हमारे डिग्री कॉलेज महाविद्यालय और जब तैयार हो तो एक ब्लॉक तब बनोला और ये देख सकते हो कुछ यू लोग यहाँ छन छत्तीसगढ़ बटे रोजगार है तलाश में काम करूँ को नहीं बुना छो अच्छो लोग चेक फेरी बिजली पानी मिलू छा ठंडी हवा मिली छो वक्यू पंखा कूलर हो मरे नर बेचारा वो भी नसीब हूं कि नहीं हूं कोई पता नहीं छ और इत्या शानदार नज़ारा छ और कुछ नेपाली भाई लोग छ हमारे काम करना 30-35 लोग छ इकट्ठा तो वहाँ बटे 20 नेपाली छ और 15-20 छत्तीसगढ़ी जिन हमारा इंजीनियर साहब उत्तरकाशी बटा यहाँ ब्याल पर छी है ना और यो कॉलेज बनू 1000 स्क्वायर फीट का लगभग और बहुत ही शानदार कॉलेज बनू जो हमारे क्षेत्रों को ना बहुत ही अच्छी चीज़ मिली जी पढ़ ला लिख ला तभी कुछ कर ला बटिया झलक शानदार कॉलेज है कि और एक हम बटाई 100 मीटर की दूरी पर कलजीखाल बाजार और 1100 मीटर पर हमारे गांव की दूरी डांगों की दूरी पूरा पटोल चूँ घेरे चूँ रोड में भी अब पेंटिंग का काम होने एरिया चालू चौड़ी करण तो आप लोगों ने पहले देखो ब्लॉगों में काफ़ी चौड़ी हो गया रोड और अब साइड में डूंगा जमा होने बैठ गई ना और ये डूंगू तोड़े गया है हम बहुत पुराना डूंगू चाहे हम
और काफ़ी करोड़ ढूंग निकलू जाम बटे और अभी रोड़ा के गिट्टी वगैरह छन थोड़ी इन्हें रोड़ा छुटो च और एक बार पेंटिंग का काम जल चालू और यह मशीन लगी चम हर यो हमारे सुंदर सी गो डांगो एक सौ सौ समय इन हमारे पंदिर डांगोंग पंदिर समय में डांगो हमारो प्यारो सी गो और यह आज हमारे पंदिर आधार जखम के अब रोड खूब चौड़ी हो गया खड़ी ढूंगोंग चट्टान छाया और ये रास्ता भी ब्लॉक हो गया देख सकते हो पूरा अरे तो ढूंगो निकलियो अभी रोड में बिछाड़ा काम आलू देख सकते हो डैम्पर वगैरह मशीन वगैरह खड़ी हुई थी नहीं कम ढूंगा डंगा सनुगुणा